अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 12 दिसंबर को असरार अनवर पुत्र अनवरुद्दीन निवासी वृंदावन थाना साठी बिहार के अपहरण होने की सूचना जीआरपी को दी गई थी। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने युवक को लखनऊ से बरामद कर लिया है। असरार ने बताया कि वह मध्य प्रदेश के भोपाल से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। उसकी परीक्षा 12 दिसंबर को थी, लेकिन परीक्षा की तैयारी पूरी ना होने और फेल होने के डर से उसने खुद के अपहरण होने की झूठी सूचना पुलिस को दे दी। घटना का खुलासा करते हुए जीआरपी के सीओ प्रकाश राय ने एसपी जीआरपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया। कौन सा सेमेस्टर था तुम्हारा बीटेक में? फर्स्ट सेमेस्टर था अभी। कौन सा कॉलेज है तुम्हारा? राजीव गांधी प्रौद्योगिकी भोपाल 25 तारीख तो मैं पूरा फाइनल मतलब याद करके आया था। उसके बाद मैं शादी में आया था, उसके बाद मैं हल्का मतलब भोजन लगा घर पे हल्का सा पड़ा था, फिर यहाँ आया स्टेशन पे, फिर मतलब मैं सोचा अपने मतलब डिवाइस करूँ, तो कुछ याद नहीं आ पा रहा था। किसको बता दिया चाचा को अपने? नहीं सर, इतना छोटा भाई। छोटे भाई का क्या नाम उसका? मानवाज। क्या भाई हो तुम लोग? हम लोग चार भाई। चार भाई में क्या नंबर के हो? सबसे छोटे। चार भाई में सबसे छोटे हो? और भाई क्या करते तुम्हारे? एक से भी इंजीनियर। अच्छा, और दो इलेक्ट्रिशियन। जीआरपी थाना गोरखपुर पे दिनांक 11/12/17 को श्री अकरामुल हक ने एक सूचना दी कि मेरा भतीजा अपराध पड़ता है, एमपी में बीटेक का छात्र है, वो जाने के लिए क्रांति कदम कटियागंज आया और यहाँ एनटीटी टेन पकड़ने के दौरान उससे किसी की लड़की विवाद लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें उन लोगों ने लड़के को पकड़ लिया, ऐसा टेलीफोन से उनको बताया गया, किसी लड़के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में थाना जीआरपी पर 365 का अभियोग अपहरण का पंजीकृत किया गया और जीआरपी आरपीएफ सर्विलांस टीम में लगी इस मामले में, और ये लड़का कल शाम को लखनऊ में बरामद हुआ और इसने बताया कि मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि मेरी परीक्षा थी बीटेक के पहले सेमेस्टर की, जिसकी मेरी तैयारी नहीं थी, इस वजह से मैंने नाटक रचा था अपने अपहरण का। इसे परिवार वालों को विश्वास हो जाए कि मैं भागा नहीं हूँ परीक्षा से, मेरे साथ घटना हो गई है, कुल कहानी है। ये बरामद है आप लोगों के सामने। तो अपहरण तुम पता नहीं कि अपहरण क्यों किया जाता है? ये होता है कि फिरौती के लिए। क्या बताया था तुम? फिरौती मांगी गई है।